मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। जय अम्बे माँ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम क्या बनाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की पकौड़ी। गेहूं के आटे की पकौड़ी कैसे बनाएंगे आप लोग देख सकते हैं। आटा लिया है जिससे रोटियां बनाई जाती हैं। आपके घर में अगर बेसन नहीं है तो गेहूं के आटे की बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। यहाँ पे हमने प्याज लिया है जो प्याज की पकौड़ी बोली जाती है, तो हम यहाँ पे वही पकौड़ी बनाएंगे। यहाँ पे हमने प्याज लिया है, हरी मिर्ची है, ये हमारे हरे धनिया है, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हमारी कश्मीरी मेथी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, जीरा है, हींग है, ये हल्दी है, ये तीखी मिर्ची है। यहाँ पे हमने कद्दूकस किया आलू लिया है, यही में हम सारी चीजें मिलाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम इसमें प्याज डालेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो देखिए, हमारे वीडियो में लगे रहना। आप लोगों को हम बहुत चटपटा नाश्ता बना के दिखाएंगे कैसे बनाया जाता है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। इसमें प्याज डाल दिया है, हरी धनिया भी डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दिया, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पे हम कसूरी मेथी डालेंगे। ये सारा हमने मसाला जो बताया है तो इसको हम इसी में डाल देंगे। ये हमने जो अब कद्दूकस की आलू लिया है इसको डाल देंगे। आप चाहे तो डाल सकते हैं आलू, नहीं डालना चाहते तो आप प्याज में बना। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये वही पकौड़ियाँ हैं दोस्तों जिसको लोग प्याजी बोलते हैं। यहाँ पे हम सारी चीजें इसमें मिला देंगे। उसके बाद हम अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह मिला देंगे। यहाँ पे हमने पकौड़ी का पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, तेल हमारा गरम हो जाए उसके बाद हम बनाएंगे। तेल हमारा गरम हो गया, अब इसमें हम पकौड़ी डालेंगे। इस तरह से हम इसमें हम पकौड़ी डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इनको हम इस तरह पका लेंगे। इनको दूसरी तरफ हम पलटेंगे इस तरह। पकौड़ी हमारी पक गई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इनको अब हम थाली में निकालेंगे। इस तरह हम सारी पकौड़ी बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हमारी पकौड़ी सारी बन के रेडी हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये दोस्तों यहाँ पे हमने पकौड़ी बना के रेडी कर दिया है। जो आप चाहे तो चाय से खा सकते हैं, आप चाहे तो चटनी से खा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।